नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन। तो देखिए, बड़ी खबर आपको जो कहानी मैं बताने वाला हूं इस वक्त और राजा भैया से रिलेटेड है, तो वो कहानी शायद ही आपको पता होगी कि राजा भैया मुलायम सिंह यादव के बीच में जो संबंध है वो काफी मजबूत कह सकते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया पे 2002 में एक ऐसा एहसान किया था जिसको अभी तक राजा भैया नहीं भुला पाए हैं, और उस एहसान को देखे मेरे ख्याल से कभी चुका भी नहीं पाएंगे जो राजा भैया के लिए मुलायम सिंह यादव ने किया था। पूरी खबर में विस्तार से आपको बताता हूं। यहां पे देखिए कि 2002 के बाद, 2002 से पहले देखिए, यहां पे जो उत्तर प्रदेश का चार भागों में डिवाइड हो गया था, उसके बाद अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में मात्र 403 सीटें बची थी। अब 2003 में मई से पहले यहां पे चुनाव हुए थे। अब चुनाव में 143 सीट मिली थी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और वहीं दूसरे नंबर पर थी मायावती, तीसरे नंबर पर थी बीजेपी। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जब बहुमत हासिल थी समाजवादी पार्टी को, लेकिन सरकार किसकी बनी थी? मायावती की। क्यों बनी थी? क्योंकि भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और एक दो दल और थे उसमें, और जिसमें अपना दल भी शामिल है और आरएलडी भी शामिल है। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मुलायम सिंह यादव है और मायावती है और बीजेपी है, इन सब में देखिए कि खटास पैदा होने लगी थी जब सरकार चल रही थी। सरकार के चलने से 2-3 महीने हुए थे और मायावती और बीजेपी में काफी खटास पैदा हो गई थी। इसके बाद अब देखिए कि अगस्त में इतनी ज्यादा खटास हो गई कि ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफा विधानसभा, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तो उनको सौंप दिया था, और फिर देखिए वहां पे विधानसभा भंग हो गई थी। अब देखिए कि यहाँ पे जो अखिलेश यादव है, माफ कीजिएगा, जो मुलायम सिंह यादव है, उन्होंने क्या करा कि मौका देखा और यहाँ पे जो आरएलडी के साथ और जो अपने साथी दल थे उनके साथ जो सरकार बना के वो सरकार में मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था वो बात देखने वाली है, क्योंकि अगर बात करूं इससे पहले क्या हुआ था, तो जब 3 मई 2003 को मायावती मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो उस बीच यहाँ पे बीजेपी के एक नेता थे, तो उन्होंने उनकी शिकायत पर मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगा दिया। जी हाँ, यहाँ पे जो पोटा जब लगाया जाता है, जब किसी आतंकवादी जो अपराध होता है उसमें सम्मिलित होने का ऐसे शक होता है पुलिस को, तो उस पर पोटा लगाया जाता है। तो देखिए आतंकवादी विरोधी अधिनियम यानी कि पोटा को देखिए राजा भैया पर लगा दिया गया था, और मात्र देखिए 2 घंटे के अंदर राजा भैया को जेल पहुंचा दिया गया था। और लगातार देखिए कि वो 10 महीने तक जेल में रहे थे। जी हाँ, यहाँ पे अगर बात करूं तो राजा भैया की, तो उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे मुलायम सिंह यादव की सरकार बन जाती है। फिर मुलायम सिंह यादव की जैसी सरकार बनती है, सरकार बनने के आधे घंटे के बाद ही मुलायम सिंह यादव राजा भैया को छुड़ा लाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मुलायम सिंह ने वादा करा था कि देखिए अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको छुड़ा लूंगा, और उसमें राजा भैया ने यह वादा करा था कि मेरा जो समर्थन होगा वो आपको जाएगा अगर आप मुझे छुड़ाने में समर्थन होते हैं। तो उसके बाद देखिए राजा भैया का समर्थन भी बना, फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, माफ कीजिएगा, राज्य मंत्री भी बनाया गया, और यहाँ पे फिर उसके बाद जो रिश्ते हुए उनके काफी गहरे होते चले गए, और मायावती के साथ जो रिश्ते थे राजा भैया के, वो बिल्कुल एक कह सकते जानी दुश्मन देखे बन गए थे। तो यही कहानी है राजा भैया और मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह ने सरकार बनने के मात्र आधे घंटे में ही राजा भैया को 10 महीने के बाद जेल से छुड़ा पाए, और उस वक्त यानी कि राजा भैया जब जेल में थे, उनकी जो पत्नी थी भवानी देवी, तो उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जी हाँ, यहाँ पे राजा भैया ने उनका जन्म जब हुआ था उसका चेहरा भी नहीं देख पाए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की बदौलत राजा भैया ने अपने बच्चों का चेहरा देखा था। जब वो जेल से निकल के आ रहे थे तो गाड़ी में वीडियो कॉल के जरिए वहां पर उन्होंने चेहरा देखा था। तो बड़ी ही दिलचस्प है मुलायम सिंह और राजा भैया की जो कहानी है, उनकी दोस्ती की जो कहानी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जो राजा भैया के खिलाफ आज तक देखिए उनका एहसान वो मानते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।